अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड ईयर का जो फर्स्ट चैप्टर है लैक्टोस्टैटिक्स, वो हमारे पास जो है कम्प्लीट हो गया। उसके जो एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हम आज वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट, मैं आपको रूल जो है शॉर्ट क्वेश्चन का बताता चलूँ कि दो नंबर जो है हमारे पास जो पेपर के अंदर हम किस तरह से गेन करते हैं, पूरे 2 मार्क्स जो है वो इस तरह से गेन किए जाते हैं कि 0.1 मार्क्स जो है, 0.5 मार्क्स जो है वो हमें मिलता है स्टेटमेंट का आंसर देने के लिए। मिसाल के तौर पर किसी भी स्टेटमेंट का आंसर जो है वो हमारे पास येस और नो में हो सकता है। उस स्टेटमेंट का आंसर येस या नो में लिखने का हमें 0.5 मार्क्स मिलता है। उसके बाद स्टूडेंट्स, एक नंबर की होती है रीज़न। अब उस रीज़न को लिखने का हमारे पास एक नंबर होता है, ये हमारे पास टोटल मार्क्स हो गए 1.5 आउट ऑफ 2 मार्क्स। अब देखिए 0.5 मार्क्स जो रिमेनिंग है वो डायग्राम जो होती है उस क्वेश्चन से रिलेटेड उसको लिखने का मिलता है। हाँ, अगर आपके पास डायग्राम जो है किसी शॉर्ट क्वेश्चन की अवेलेबल नहीं है, देन स्टूडेंट वो जो हमारे पास 0.5 मार्क्स है वो 1.5 मार्क्स की आपके पास रीज़न हो जाती है। तो इस तरह से दो नंबर जो है हम पूरे के पूरे जो है अकॉर्डिंग टू द बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन उसके अकॉर्डिंग हम जो है गेन कर सकते हैं। तो ये रूल्स जो है अपने माइंड के अंदर लाजमी तौर पर रखें। तो स्टूडेंट दूसरी बात कि आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसकी जो लेंथ है वो आपके पास हाफ पेज तक जो है लाजमी तौर पर होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पास जो फर्स्ट चैप्टर का सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स देखें कि हमें दिया गया है द पोटेंशियल इज़ कॉन्स्टेंट थ्रू आउट अ गिवन रीजन ऑफ स्पेस, इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो और नॉन ज़ीरो इन दिस रीजन, एक्सप्लेन। यानी यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि आपके पास रीजन यानी स्पेस का एक स्पेसिफिक रीजन है, एक एरिया है जहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू ऑफ पोटेंशियल है स्टूडेंट, वो पोटेंशियल की वैल्यू हमारे पास क्या है, ज़ीरो है। अब क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि अगर हमारे पास उस रीजन के अंदर पोटेंशियल की वैल्यू ज़ीरो है, क्या वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी ज़ीरो होगी। तो स्टूडेंट्स हम अकॉर्डिंग टू रिलेशन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट जो स्टूडेंट उसकी हमने इक्वेशन पढ़ी थी, हम देखते हैं हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन 1 है, हमने पढ़ा था कि ई इज इक्वल टू होता है हमारे पास माइनस डेल वी ओवर डेल आर। तो स्टूडेंट्स ये हमने रिलेशन पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। देखिए यहाँ पर हमने नेगेटिव साइन जो है वो इस हमारे पास क्वेश्चन के अंदर किस चीज़ को शो कर रहा है, नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि हमारे पास जो फील्ड के अंदर जो हमने स्पेसिफिक रीजन स्पेस में कंसिडर किया है उसमें हमारे पास फील्ड की इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, या पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर अगर देखें कि अगर हमारे पास जो पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ पर बताया गया है पोटेंशियल इज़ कॉन्स्टेंट, अगर पोटेंशियल की वैल्यू कॉन्स्टेंट है यानी डेल वी वो हमारे पास क्या है स्टूडेंट, वो कॉन्स्टेंट है। कॉन्स्टेंट इट मीन्स पोटेंशियल की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। अगर पोटेंशियल की वैल्यू चेंज नहीं हो रही तो हम कहेंगे कि डेल वी चेंज इन पोटेंशियल हमारे पास क्या है, ज़ीरो है। सो अगर हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू ज़ीरो है तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस डेल वी की जगह पे ज़ीरो डिवाइडेड बाय डेल आर तो इक्वल टू ज़ीरो। तो इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। इट मींस कि अगर हम कोई भी एक स्पेसिफिक रीजन स्पेस के अंदर कंसीडर करें जहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू ज़ीरो हो तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट हमारे पास जो कॉन्स्टेंट है पोटेंशियल क्या है, कॉन्स्टेंट इट मीन्स चेंज नहीं हो रहा, वैल्यू सेम है, देन हम उसको क्या कंसीडर करते हैं कि चेंज ज़ीरो आ रहा है। सो अगर चेंज ज़ीरो है तो वैल्यू इक्वेशन में प्लेस करने से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ गई, ज़ीरो आ गई। स्टूडेंट इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास पूछा जा रहा है सपोज दैट यू फॉलो एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, डू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल इंक्रीजेज और डिक्रीज। स्टूडेंट यहाँ पर हमें ये कहा जा रहा है कि अगर हमारे पास कोई भी एक शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2, अब क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि अगर हमारे पास एक पॉइंट पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज मौजूद है और उससे फील्ड लाइंस क्या है आउटवर्ड ट्रेवल करती हैं, जैसा कि हम जानते हैं पिछले टॉपिक्स में हमने पढ़ा कि फील्ड लाइन्स फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज ट्रेवल आउटवर्ड। अब ये हमारे पास क्या है,
स्टेटमेंट आ गई। अब देखें क्वेश्चन को दोबारा अंडरस्टैंड करें कि सपोज दैट यू फॉलो एन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फील्ड लाइन ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। अगर हम कहते हैं कि इस फील्ड लाइन को फॉलो करते हुए जा रहे हैं, आपने ये बताना है कि आपके पास डू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, पोटेंशियल की वैल्यू और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। तो स्टूडेंट्स हम रिलेशन के थ्रू देखते हैं कि हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर, ये हमने रिलेशन पढ़ा था इन द कूलम्ब स्टेटमेंट। और दूसरे नंबर पर V का रिलेशन हमने पढ़ा था के क्यू ओवर आर, ये पोटेंशियल का रिलेशन होता है। तो स्टूडेंट इन दोनों इक्वेशन में हमारे पास के क्या है, एक कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। अगर इस कॉन्स्टेंट को ख़त्म कर दिया जाए तो इक्वेशन हमारे पास रीअरेंज करते हैं प्रोपोर्शनल क्यू ओवर आर स्क्वायर, और दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी प्रोपोर्शनल क्यू ओवर आर। अब इन दोनों में आप अगर रिलेशन को देखें, द रिलेशन बिटवीन ई एंड आर, आर क्या है हमारे पास डिस्टेंस है और ई हमारे पास क्या स्टूडेंट फील्ड ऑफ दिस चार्ज। आर अगर हम डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या होगी डिक्रीज होगी। इन दोनों केसेस में इनवर्स रिलेशन है, इट मींस कि अगर हम किसी भी फील्ड लाइन को जो कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से है अगर फॉलो करते हैं तो डिस्टेंस क्या है, अगर हम डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो डिस्टेंस के बढ़ने से फील्ड की वैल्यू भी कम होती चलेगी और पोटेंशियल की वैल्यू भी क्या होगी डिक्रीज होती चली जाएगी, जो कि हमें इस रिलेशन से पता चलता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे पास, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 है जिस पर हम बात करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स स्टेटमेंट देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक जो है गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट दिखाया गया है, इसको हम बोलते हैं गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में हमने इस डिवाइस को क्यों यूज़ किया जाता है स्टूडेंट्स, इसलिए कि किसी भी कैपेसिटर की प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज कौन सी प्लेट पर है, हमने ये चेक करना है कि पॉजिटिव चार्ज कैपेसिटर की किस प्लेट पे मौजूद है। उसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हम गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट इस्तेमाल करते हैं। ये गोल्ड लीफ बेसिकली साइंटिस्ट था जिसने ये एक्सपेरिमेंट किया और उसी के नेम पर इसको गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट बोला जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें हमारे पास जो इस डिवाइस के अंदर ये हमारे पास एक मेटल का बॉक्स है, इसमें हमने यहाँ पर मेटल कैप लगा दी है, मेटल कैप के नीचे हमारे पास यहाँ पर एक इंसुलेटर लगाया गया है और उसके नीचे हमने एक जो है गोल्ड लीफ, ये आपको नज़र आ रहा है रॉड सी वायर होती है, इसको गोल्ड लीफ बोलते हैं। और ये जो हमारे पास रॉड आपको नज़र आ रही है इंसुलेटर के नीचे, इस रॉड को हम मेटल स्टेम बोलते हैं। अब देखिए हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है, हमने ये चीज़ फाइंड करनी है कि कैपेसिटर की कौन सी प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है। तो स्टूडेंट्स उसके लिए इस रॉड को पहले ही पॉजिटिव चार्ज जो है वो दे दिया जाता है। पॉजिटिव चार्ज देने से क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर हम जो कैपेसिटर है उसकी प्लेट को इसके करीब लेकर आएंगे, अगर तो इसके करीब लाने से हमारे पास क्या हो कि इसके दरमियान डाइवर्जेंस यानी डिफरेंस, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या हो जाए बढ़ जाए। अब देखें अगर तो प्लेट क्या है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है तो इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, वो हमारे पास क्या होगी रिपल्शन होगी। अब रिपल्शन की वजह से इन दोनों में क्या है डाइवर्जेंस क्या है बढ़ जाएगी, डाइवर्जेंस डिफरेंस बढ़ जाएगा। अगर तो डिफरेंस बढ़ जाए तो हम कहेंगे कि इस पर क्या है पॉजिटिव चार्ज मौजूद है उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की एक प्लेट पे। अगर हमारे पास डाइवर्जेंस जो है वो डिक्रीज हो जाए, यानी आपके पास डाइवर्जेंस क्या है डिक्रीज हो जाए दोनों के दरमियान, तो स्टूडेंट्स हम कहेंगे कि इनके दरमियान क्या मौजूद है, हमारे पास पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव चार्ज है वो प्लेट पे मौजूद है। तो इसी तरह ये हमारे पास क्या कहलाता है गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट। अब नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्क्राइब द फोर्स और फोर्सेस ऑन अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज व्हेन प्लेस्ड बिटवीन पैरेलल प्लेट्स। एक हमारे पास देखे पैरेलल प्लेट्स के दरमियान हमने पॉजिटिव चार्ज को प्लेस कर दिया है। अब देखना ये हमने कि इस प्लेट्स की वजह से दो प्लेट्स, एक केस हमारे पास ये है कि जिसमें दोनों प्लेट्स पे क्या है पॉजिटिव चार्ज है, एक केस हमारे पास बी ये है कि एक पे पॉजिटिव चार्ज है दूसरी प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है। तो हमने देखना है कि इस पॉजिटिव चार्ज पे इन दोनों केसेस में कौन सी फोर्स एक्ट करती है। स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि हमारे पास जो फोर्स होती है, हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू एफ ओवर
क्यू, यही फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है, तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू क्यू ई। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए कि एक हमारे पास अगर पॉजिटिव चार्ज को प्लेस करेंगे, इस प्लेट पे भी पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज जो है यहाँ से क्या होगा, रिपेल होगा। अगर यहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ पर देखते हैं, ये हमारे पास क्या है, इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड होगी इस तरह से, और यहाँ पर और यहाँ से देखें, अब दोनों की डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट मौजूद है। अब ऑपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से इस पे जो फोर्स एक्ट करेगी वो हमारे पास पॉजिटिव, एक को पॉजिटिव रख ले एक को नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को इधर से भी रिपेल होगा, इस ये भी पॉजिटिव प्लेट है, पॉजिटिव चार्ज इधर से भी रिपेल होगा, तो दोनों के दरमियान इंटेंगल्ड हो जाएगा, फंस जाएगा। हम कहते हैं कि यहाँ पर जो टोटल नेट फोर्स होगी वो एफ हमारे पास दोनों का सम होगी, एक हमारे पास क्यू ई पॉजिटिव है, एक नेगेटिव क्यू ई। तो स्टूडेंट्स पॉजिटिव नेगेटिव आपस में कैंसिल आउट करेंगे, तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज विल बी इक्वल टू जीरो। तो नेट फोर्स हमारे पास क्या है, इस पे जीरो होगी, और हमारे पास पॉजिटिव चार्ज इसी इन्हीं प्लेट्स के दरमियान इंटेंगल्ड हो जाएगा, यहाँ पर रुक जाएगा। अब इसी तरह सेकंड केस कंसीडर करते हैं, जिसमें हमारे पास एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज को हमने ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स के दरमियान प्लेस किया है, एक पे पॉजिटिव चार्ज है प्लेट पे, दूसरी पे नेगेटिव है। अब देखिए इस पॉजिटिव चार्ज, हम कहते हैं पॉजिटिव चार्ज से फील्ड ऑफ लाइंस आउटवर्ड ट्रैवल करती हैं आउटवर्ड, और नेगेटिव में इनवर्ड होती हैं इनवर्ड, दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। इट मीन्स हमारे पास जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स वो क्या होगी, एक हमारे पास क्या है क्यू ई प्लस क्यू ई। तो स्टूडेंट्स हमारे पास नेट फोर्स क्या है, दोनों का सम हो जाएगी, वो हमारे पास एफ इज इक्वल टू टू क्यू ई, यानी हमारे पास फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर डबल हो जाएगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पर फोर्स जो है वो पॉजिटिव चार्ज है वो मूव करना शुरू कर देगा, यहाँ फोर्स ज़्यादा एक्ट करेगी, मैक्सिमम फोर्स एक्ट करेगी, क्योंकि पॉजिटिव से यहाँ से रिपेल होगा और नेगेटिव अपनी तरफ खींच भी रहा है, इसका मतलब यहाँ पर मैक्सिमम फोर्स एक्ट करेगी, यहाँ पर हमारे पास फोर्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर दिया गया है, फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव के अंदर स्टूडेंट्स हमसे पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस वाई, यानी क्वेश्चन ये पूछा गया है हमारे पास, यहाँ पर स्टूडेंट क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे पास जो फील्ड ऑफ लाइंस, हमने देखा था कि जो पॉजिटिव चार्ज है उससे फील्ड ऑफ लाइंस आउटवर्ड ट्रेवल करती हैं, आउटवर्ड ट्रेवल कर रही हैं। तो स्टूडेंट जब हमने फील्ड ऑफ लाइंस का टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने ये चीज़ डिस्कस की थी, क्वेश्चन नंबर हमारे पास फाइव है, तो हमने डिस्कस की थी ये चीज़ कि जब भी हम बात करते हैं हमारे पास फील्ड ऑफ लाइंस की, तो फील्ड ऑफ लाइंस जो है इनकी एक करेक्टरिस्टिक होती है कि फील्ड ऑफ लाइंस नेवर क्रॉस टू ईच अदर, एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करती। तो स्टूडेंट्स हम कहेंगे कि देखिए आपको ये जहां पर नजर आ रहा है कि फील्ड लाइंस जो हैं वो क्रॉस नहीं कर रही, ये फील्ड लाइंस की एक अपनी डायरेक्शन है, इसकी एक अपनी डायरेक्शन है, इसकी एक अपनी डायरेक्शन है। फिर हमने ये भी करेक्टरिस्टिक पढ़ी थी कि किसी भी फील्ड लाइन की डायरेक्शन को जो है हमने देखने के लिए कि हमारे पास उसकी डायरेक्शन क्या है, उस पर टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है। तो स्टूडेंट टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है, और इसी तरह करेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग हम कहेंगे कि नो वन फील्ड लाइन कैन क्रॉस टू ईच अदर बिकॉज, अब देखिए उसकी रीजन लिखेंगे, रीजन क्या है, बिकॉज इट हैज ओनली वन डायरेक्शन, क्योंकि इस फील्ड लाइन की हमारे पास एक ही डायरेक्शन होती है जिसे हम, क्योंकि ये जो फील्ड लाइन्स है ये क्या है, यूनि डायरेक्शनल होती हैं, एक सिंगल डायरेक्शन होती है, इसी वजह से ये एक दूसरी लाइन को क्रॉस नहीं कर सकती। हाँ अगर हमारे पास जो फील्ड लाइन है एक फील्ड लाइन दूसरी फील्ड लाइन को क्रॉस कर रही है तो हम कहेंगे कि वो फील्ड लाइन की हमारे पास यूनि डायरेक्शनल नहीं है और उसकी बहुत सी डायरेक्शंस मौजूद हैं। सो सिंपली हम ये कहेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट में कि हमारे पास फील्ड लाइन्स नेवर क्रॉस टू ईच अदर बिकॉज दे हैव यूनिडायरेक्शनल।